YouTube ने एक नया फीचर अपलोड किया है, अल्टर कंटेंट। ये क्या है, सभी लोग घबरा गए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय YouTube चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने तो थंबनेल्स देखकर ही समझ ही गए होंगे तो कि मैं किस टॉपिक में आपसे आज बात करने वाली हूँ कि अल्टर कंटेंट क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अल्टर कंटेंट क्या है। YouTube ने एक नया फीचर अपडेट किया है। जब हम YT स्टूडियो में वीडियो अपलोड करते हैं तो नीचे ये देखिए अल्टर कंटेंट लिखकर आ जाता है, एक नया फिल्टर आ जाता है। ये देखिए ये अल्टर कंटेंट खुलकर आ गया है और इसमें लिखा है कि इसमें यस करना है कि नो करना है। और बहुत से यूट्यूबर इसको देख के घबरा गए हैं कि ये नया फ्यूचर क्या है और इसमें मुझे क्या करना है। जो बहुत से यूट्यूबर जो पढ़े लिखे हैं वो तो इसका मतलब जो ये तीन हेडिंग दे रखा है इसमें तो उसको वो पढ़ के समझ ले रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं, जो छोटे यूट्यूबर है, जो नए यूट्यूबर है, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये नया फ्यूचर है क्या। बस इसी टॉपिक में चलिए मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। और स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा और मैं वन बाय वन सबके बारे में बताऊँगी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अगर आप यस या नो में कंफ्यूज होते हैं तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। और मुझे भी ये अल्टर कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं भी जब देखी तो मैं भी घबरा गई थी। फिर मैंने भी यूट्यूब में इसको सर्च किया, इसको समझने की कोशिश की है, तभी मैं आज इस टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ अपने तरीके से कि कैसे इसमें यस करना है कि नो करना है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ और इसको इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सबसे पहले हम YT स्टूडियो में गए हैं, फिर उसके बाद कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद फिर हम देखिए फ्रॉड पे गए। फ्रॉड पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी एक अपना फ्रॉड ओपन कर लिए हैं और येरो पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है ना अल्टेड कंटेंट, अल्टेड कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा होकर खुलकर आ गया है ना यस और नो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें यस करना है कि आपको नो करना है। इसमें दिया ना डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कॉन्टेंट, कि इन तीनों में से कॉन्टेंट क्या है इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन इसमें है मेक ए रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिड नॉट और डू। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हम जो लिपसिंग कर रहे होते हैं, हम लिपसिंग नहीं करते हैं पर हम क्या नाम है AI की वीडियो के द्वारा जो लिपसिंग उसमें हम लोग ऐड करते हैं, बस जैसे हम ऐसा मेरे रियल में बोल रहे हैं तो पे AI वीडियो के द्वारा जो लिपसिंग करते हैं उसमें ऐड करते हैं ओरिजिनल रहते तो उसमें हमें क्या करना है यस करना है आपको। दूसरा टॉपिक इसमें है अल्टर फुटेज ऑफ ए रियल इवेंट ऑफ ब्रेज। जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना ये है, तो इसके AI वीडियो के द्वारा ही हम पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने देखिए रूम में बैठी हूँ, यहाँ बना रही हूँ, तो ये मेरा रियल है पूरा। और पर AI वीडियो के द्वारा हम पीछे का जो प्लेज है बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या क्लिक करेंगे, यस करेंगे। और तीसरा ऑप्शन इसमें है जनरेशन ए रियलिस्टिक लुकिंग स्कैन दैट इट नो एक्चुअली ऑगर। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ भी हम जैसे अपना फेस वगैरह का, हमारा फेस वगैरह का है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फेस है, तो AI के द्वारा हम अपना जो फेस का पूरा जो है पूरा चेंज कर देते हैं। तो AI के वीडियो के द्वारा अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपका होता है तो उसमें आपको क्या करना है, यस करना है। यस और नो लिखा है ना। और फिर मैं जो वीडियो बनाती हूँ देखिए मेरा ओरिजिनल है, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ चाहे डांसिंग का, सिंगिंग का, चाहे कॉमेडी वीडियो होता है, तो मैं उसका जो लेती हूँ बाकी मेरा सब ओरिजिनल ही रहता है, तो उसको तो उसमें हमें क्या करना है, नो करना है। और आप तो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ठीक है। अल्टर कंटेंट के लिए आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं कि ये नया फ्यूचर क्या आया है, मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसको ध्यान समझने का, आप इससे तीनों रिलेटिव जो भी आपको कुछ होता है कभी जो भी वीडियो बनाइएगा, सिंपल बनाते हैं तो नो करना है, और ये तीन ऑप्शन अगर आपका रहता है AI वीडियो अगर अटैच रहता है
तो उसमें आप हमेशा यस ही कर दिएगा, इसमें नो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। यूट्यूब हमेशा कुछ ना नया नया फ्यूचर अपना लाता ही रहता है, या हर मंथ या क्या नाम है हर साल कुछ ना कुछ नया फ्यूचर लाता ही रहता है। तो इसीलिए वीडियो अपलोड करने से पहले शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो उसको पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए करिएगा, तब उसके बाद वीडियो अपलोड करिए। जैसे हम लोग पब्लिकली करते हैं तो हम लोग को पता होता है, डिस्क्रिप्शन भी हम लोग को पता ही होता है, और जो हम लोग का वर्चुअल होता है वो भी हम लोग को सब पता होता है। ये तो नया अलग फ्यूचर है। पहले मैं भी जब ये देखा था तो मैं भी देख के इसको बिल्कुल भी एकदम घबरा गई थी कि ये नया फ्यूचर क्या आ गया, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने भी यूट्यूब में इसको सर्च किया, इसको पहले मैंने अच्छे से समझा, इसको ध्यान से पहले मैंने समझा, फिर उसके बाद ही मैंने फिर मैं तो अपना ज़्यादा था सारा वीडियो ओरिजिनल ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं नो करती हूँ। तो बस इसी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा।